Sonali Bhogat, who was the Bigg Boss 14 contestant, was an audience delight with a sweet yet strong personality and left everyone surprised inside the house. She had mentioned stating on staying on in Mumbai to pursue her acting skills in Bollywood. And well, she has bagged her first Haryanvi film for which she did the song shoot. Let's get talking to Sonali more on this. फिल्म में हरियाणा के बड़े फेमस कलाकार हैं MD KD, और इस गाने का हिस्सा है सबसे बड़े सुपरस्टार इंडस्ट्री के धर्मेंद्र। तो धर्म जी के साथ गाना शूट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि उनके साथ मेरा ये गाना जो है बिग बॉस से निकलने के बाद। और इस गाने के जो बोल हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, एक समाज को बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। कि मैं एक दो शब्द उस गाने के बताना चाहती हूँ। ये पैसा ये धनमाया ढलती फिरती छाया ये काम नहीं आने की। गाने के जो बोल हैं, ये पैसा धनमाया ढलती फिरती छाया काम नहीं आने की। तो ये हरियाणवी फिल्म है और हरियाणवी बोल हैं गाने के, बहुत ही अच्छा समाज को मैसेज देता है। और धर्म जी है हमारे साथ इसमें, तो मैं धर्म जी के साथ गाना करके बहुत खुश हूँ। और MD KD जो फेमस सिंगर और रैपर हैं वो इस गाने में है और वो इस फिल्म में मुख्य भूमिका भी निभा रहे हैं। और ये जो फिल्म है बहुत अच्छा समाज को मैसेज देगी, हरियाणवी फिल्म है। थैंक यू। राज तो देखिए जैसे ही हूँ आप लोगों के सामने हूँ और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि आपको पता ही मैं पॉलिटिशियन हूँ तो काम थोड़े ज़्यादा रहते हैं मेरे पास। और यहाँ पे जब मैं काम करना स्टार्ट किया है थोड़ा सीरियस होके, तो अपने आप पे ध्यान देना मैं चालू किया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं, तो मुझे भी अपना केयर करने के लिए क्या क्या चीज़ें और करनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी मैं कर रही हूँ। ओके, गाने की बात करें, धर्मेंद्र जी के साथ ये गाना है तो कैसा है, थोड़ा कुछ आप बताना चाहिए। धर्मेंद्र इतने बड़े लेजेंड, उनके साथ आपका ये सॉन्ग है तो कुछ कहना चाहिए आप उस पर? बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, इतना खुश हूँ कि उनके साथ, जैसे ही ये काफ़ी टाइम पहले जब मैं बातचीत हुई थी प्रोड्यूसर हरियाणा से ही, उन्होंने जिक्र किया था कि धर्म जी के साथ करेंगे शूट, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं वेट कर रही थी उस दिन का कि ये गाना कब रिलीज़ होगा, कब हम लोग शूट करेंगे, तो फाइनली आज इसका शूट कर रहे हैं और जुलाई में ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो मैम, बिग बॉस के बाद कितना बदलाव आ चुका है, अभी आप सॉन्ग भी शूट कर रहे हैं, ये हरियाणवी आपने क्यों सोचा, हिंदी क्यों नहीं सोचा? देखिए, सबसे पहले तो आप जहाँ आपका जन्म हुआ, जिस मिट्टी में आप पले बड़े हैं, तो उसके प्रति जिम्मेदारी होती है, तो उसकी जो खुशबू होती है उसकी बोली की, उसकी मिट्टी की, वो आपको खींचती है। जो वहाँ का काम अगर आपके पास आता है तो आप उसको कभी मना नहीं कर सकते। और इसमें तो मैं पहले से, इन लोगों ने फाइनल किया हुआ था बिग बॉस से पहले से, तो धर्म जी के साथ था इसलिए मुझे करना ही करना था। ये तो किसी भी कीमत पे धर्म जी के साथ तो करना होता है काम की। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं उनसे जब मिली थी कि धर्म जी मुझे आपके साथ काम करना है, तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है और उनके साथ मैं स्क्रीन पे दिखने वाली हूँ। और उसमें ये कि हमारे यहाँ हरियाणा में अभी सब्सिडी लागू हुई है और मेरा भी हमेशा से सपना रहा है कि जिस तरह से पंजाब की इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर चुकी है, पंजाब की इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्में गाने बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं, हरियाणा भी वैसे ही आगे बढ़े फिल्म लाइन में, तो फिल्में बनना स्टार्ट हो रही है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। तो उसमें मैं अभी हरियाणा जा रही हूँ कल, और मेरे गुड़गांव में दो गाने शूट हो रहे हैं, एक तो अफीम है
और दूसरा है धाकड़ छोरी। तो दो गाने हमारे हरियाणा के और मैं लेके आ रही हूँ। ये फिल्म का है धर्म जी के साथ, MD और KD के साथ, और दो गाने मेरे अलग से म्यूजिक वीडियो आ रहे हैं। आखिर में अपने फैन से क्या कहना? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कितना प्यार मुझे दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए और मैं अच्छा काम करूँगी हमेशा। मैम हमारी विशेष हैं, और जितना हमें लगता है कि आपने बहुत कम समय में बहुत प्यार पाया लोगों का, लोगों के दिलों को जीत लिया, इसका राज क्या है, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? थैंक यू। ये आप लोगों का प्यार है और इस प्यार की वजह से मैं खुश रहती हूँ, और खुशी ही मेरी खूबसूरती का राज है। आप जैसे फैन हैं, आप जैसे साथी मेरे साथ हैं, तो बहुत खुशी होती है। और आप लोगों ने देखा ये हरियाणवी कॉस्ट्यूम मैंने फागाट के सामने खड़े हैं और बात कर रहे हैं और उनसे उनकी खूबसूरती भी निहार रहे हैं, और उनके काम को भी जितना उनके काम की तारीफ की जाए, इतने कम समय में जो उन्होंने एक मकाम पाया है, मेरे ख्याल से ये गॉड गिफ्ट है आपको, शायद सभी की दुआएं आपके साथ। मिलन हो तो चक्की और पाट दिशा हो, राजा हो तो अशोक सम्राट दिशा हो, रुतबा हो तो धर्मेंद्र चाट दिशा हो, दिल का मानस भाई भोर कितने जुड़ गया, रिश्ता की तन कदर न यूसुफ। हाँ ये वाला, हाँ वापस लो ज़्यादा लेफ्ट नहीं जा सकते ना? नहीं, लेफ्ट बैलेंस थोड़ा। हाँ ये ना ये, हाँ समझ गया, उसको बचाने के लिए हमको रुकना पड़ेगा यहाँ। ओके, तो मैम को शिफ्ट करूँ क्या थोड़ा? इसलिए तो बोल रहा था मैं। हाँ थोड़ा सा कर, सुनो ना थोड़ा सा कर सकते, पहले ये लाइट देख लो इधर वाला, और आपको अगर वहाँ मिल रहा है ना, इधर मेरे हिसाब से यहाँ भी मिल रहा है, समझ रहे हो, थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, हल्का सा शिफ्ट कर, पहले लाइट देख लो जहाँ, और यहाँ ले लो यूसुफ दादा। मिलन हो तो चाकी और पाट दिशा है ना, बस बैठने का, राजा हो तो अशोक सम्राट दिशा हो, रुतबा नहीं, मेरे को कट्टू कट नहीं, वो चलेगा, वो सब थोड़ा आगे ले, पीछे ले, ले लो आगे लेके, तो फिल्म है, एक एक फैसला लो, हो तो ताखड़ी और पाट दिशा हो, मिलन हो तो चाकी और पाट दिशा हो, तुरंत ले आना। या इधर रुक चलो।
भाई तेरा चप्पल बाहर निकाल ले, तू जितना मार रहा है फिर दोबारा तुझे मारेगा। चल